जाएगा, मोबाइल नंबर वही एंटर करना है जो आपके बैंक का जीमेल भी आप जो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको सिंपली करना क्या है, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दो तो आपके उस मोबाइल नंबर पे आपको एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। वो ओटीपी जो यहाँ पे आपको फिल कर देना है, फिल करने के बाद यहाँ पे आपको राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। दोस्तों आपका गूगल पे का जो इंटरफेस होता है वो आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। पर दोस्तों अब तो आपको बैंक अकाउंट को ऐड करने के लिए ऊपर ही आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा ऐड बैंक अकाउंट का, तो आप इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे आपका सभी बैंक आपके सामने क्लिक करते हैं। दोस्तों आपसे कुछ परमिशन मांगा जाएगा, तो आपको आपका यूपीआई पिन पहले बना हुआ, जैसे आप अगर पहले फोन पे या पेटीएम यूज करते हैं तो जो आपने यूपीआई पिन बनाया होगा, तो आपको इसमें गूगल पे में आपको यूपीआई पिन बनाने की कोई जरूरत नहीं, आप उसी पिन के थ्रू आप यहाँ पे पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं या बैलेंस चेक कर सकते हैं। क्योंकि जैसे एटीएम कार्ड का एक ही पिन होता है, उससे आपको इंटरफेस ओपन होकर आएगा, नहीं तो आपको सीधा डायरेक्ट ही जो आपका अकाउंट है वो लिंक हो जाएगा। जिनका ओटीपी होगा वो ओटीपी आपको यहाँ पे फिल करना होता है, तो आपको यहाँ पे पिन रखना है पैसे।